यस, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, तो कैसा कैसा टाइप ऑफ रिएक्शंस है यहाँ पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, हम लोग चार टाइप बनाएंगे। ओके, कौन सा याद है, जल्दी बताओ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन, यस। फिर उसके बाद कौन सा है हम लोग का, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर एडिशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यस, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस तो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास किस किस तरह के हैं, इधर तीन टाइप्स हैं। एक तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको भी फर्दर हम लोग ने दो तरह से डिवाइड किया, SN1, SN2, जो हमारे सिलेबस में है वही मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी होता है पर हम लोग जो सिलेबस में वही कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें E1 है, E2। इसमें SE1 और SE2। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1, SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2, SE1 मतलब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक 1, SE2 मतलब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक 2। फिर थर्ड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का वैसे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, अल्फा बीटा जैसा अगर हम लोग ने देखा तो तुम्हें याद रहेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग ने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया था। यस, याद है तुम्हें, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यस अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो वैसे सब भी है। पर हम लोग मेनली यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, कौन सा पढ़ेंगे जल्दी बोलो। E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो E1 E2 ये दो पढ़ना है हम लोग। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, SN1 SN2 कितने स्टेप के हैं, SN1 टू स्टेप, SN1 SN2 वन स्टेप, वैसे ही E1 क्या होगा टू स्टेप, E2 क्या होगा वन स्टेप, तो ऐसा रिएक्शन। यस, तो अभी E1 में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा पढ़ना है, अल्फा एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन। यस, तो कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, 1-1 एलिमिनेशन, और बीटा एलिमिनेशन मतलब 1-2 एलिमिनेशन, इसका मतलब देखेंगे हम लोग। यस, फिर 1-3 एलिमिनेशन भी होगा हमारे पास, 1-1 1-2 और 1-3 भी होगा, और 1-4 एलिमिनेशन। यस, ऐसा, इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे, और 1-3 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन। अब 1-2 एलिमिनेशन फर्दर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 1-2 एलिमिनेशन में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिन एंड टी, वो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से है, बट इसके अंदर हम लोग E1 E2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन और क्या, E2 एलिमिनेशन। ये किसके अंदर पढ़ेंगे जल्दी बोलो, बीटा एलिमिनेशन या तो क्या 1-2 एलिमिनेशन, इसके अंदर पढ़ेंगे, क्लियर है ना। फिर एडिशन रिएक्शंस, यस सर, क्लियर है। फाइनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन में कौन सा एडिशन है, पहले भी देखा था हम लोग ने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तीसरा कौन सा होगा, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम लोग ने पहले ही देखा है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, यस और नो, जीओसी में पढ़ा था ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, और कार्बोकैटायन क्यों रीअरेंज होगा, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो 3 डिग्री बनेगा, या तो 2 डिग्री या तो 1 डिग्री। अब देखो और बहुत सारे रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है, जैसे देखो पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अब ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब ये हम लोग ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे तभी रीअरेंजमेंट करेंगे, कार्बोकैटायन का हम लोग अभी करेंगे, बट पिनाकोल, पिनाकोलोन बहुत सारा होता है, क्लैसन रीअरेंजमेंट, यस क्लैसन रीअरेंजमेंट, स्मिथ रीअरेंजमेंट, प्राइस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, वो हम लोग बाद में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेंगे। सो इज इट अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू हैव इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, यस, जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो समझा सबको, यस सर, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन में कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये थोड़ा हम लोग याद कर लेते हैं, यस, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी बताओ वापिस, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट, मींस पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल, फाइल मतलब क्या, लविंग, लव, तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, तो खुद पॉजिटिव होगा कि नहीं, नेगेटिव से लव करे खुद कैसा होगा, पॉजिटिव, इसलिए हमारा सिंबल क्या है इलेक्ट्रोफाइल का, हाँ H plus is it a electrophile? Positive. Cl plus electrophile है क्या? जल्दी बोलो ये सब electrophile है या नहीं है? Yes, electrophile. कोई कोई electrophile neutral भी होता है. SO3, BF3, BF3, yes, sir. AlCl3. ऐसे सब क्या हो सकता है? Neutral. है ना? Yes, so these are all what? Methyl भी हो सकता है, CH3 dot. क्योंकि ये भी electron deficient species है, हाँ ना? Methyl radical, methyl free radical भी electron deficient species है again. ये क्या बोला मैंने? This is what? Methyl free radical. ये भी electron deficient species है कि नहीं, जल्दी बोलो. इसीलिए ये भी electrophile का काम कर सकता है. Okay. Correct है, हाँ ना? अरे बोलो जल्दी बोलो, तो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल से क्या पता चल रहा है बताओ, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, लविंग, न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करे वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस कैसा होता है जल्दी बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लव करने वाला मतलब खुद कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। इसका एग्जांपल क्या है, Cl माइनस, Br माइनस, यस, इसके अलावा और कोई बता सकता है न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हम लोग जीओसी में बोलो जल्दी, न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, अरे बोलो एक दो, तुम थोड़ा याद करके बताओ, नहीं याद आ रहा है, सी एन माइनस, नेगेटिव वाले जो भी हैं सब, नेगेटिव वाले वो सब कौन है, न्यूक्लियोफाइल,
फिर और जो लोन पेयर होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं? सोचो जैसे अमोनिया है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। H2O है, इसके पास दो दो लोन पेयर है ना, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसके पास भी ऐसा न्यूक्लियो लोन पेयर है वो किसका काम कर सकता है, जल्दी बोलो। न्यूक्लियोफाइल और या तो फिर ये सीएल माइनस ऐसा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो भी किसका काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो डबल बॉन्ड कार्बन, ये पाई बॉन्ड वीक होता है, मैंने तुम्हें बताया था, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग में बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में, है ना? Yes. पाई बॉन्ड भी कैसा काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का। ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। बेंजीन रिंग भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में भी पाई बॉन्ड है ना? Yes, sir. Yes. So these are all nucleophiles. These are negatively charged nucleophiles. These are neutral nucleophiles. And these are double bond, triple bond वाला nucleophiles. Clear है? Clear है जल्दी? Yes, sir. Clear है. Yes. जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर सकता है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तीन तरह के न्यूक्लियोफाइल देखे, तीन तरह के इलेक्ट्रोफाइल देखे। क्लियर हो गया? यस। धीरे धीरे देखो और डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के, यस और नहीं, और भी डिटेल में। यस सर। यस। तो अब हम लोग रिएक्शन से किक करके चालू कर सकते हैं, कौन सा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। यस, बट इसमें SN1 हो या SN2 हो, SE1 हो, SE2 हो, तो इसमें N वर्ड कहां से आया, न्यूक्लियोफाइल वर्ड कहां से आया, इलेक्ट्रोफाइल, समझाए है ना? Yes, sir. Yes, yes. So let us now start with our what, nucleophilic substitution reaction. Okay. तो पहला वाला चालू करूं, ये फर्स्ट टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना? Yes, sir. Yes, the substitution reaction. तो इसमें क्या होता था, हम लोग ने डेफिनेशन जैसा लिखा था यहाँ पे, किसी को याद है substitution reaction में क्या हो रहा था? Yes, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, हाँ ना? Yes, sir, exchange कर दे रहा था। Yes, exchange हो रहा था, substitution reaction. तो इसमें दो तरह का substitution, तीन तरह का substitution है, nucleophilic substitution, electrophilic substitution और तीसरा free radical substitution. और उसमें भी दो दो तरह के, समझ रहे हैं, SN1, SN2, SE1, SE2, है ना? तो यहाँ क्या होगा बताओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप या एटम, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं, रिएक्शन इन विच, जल्दी बोलो, वन ग्रुप और ग्रुप और एन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर atom or group, replaces other atom or group, this is called substitution reaction. Clear है? Yes, clear. Yes. तो इसका example हम लोग ने कैसे लिया था, alkyl halide. Alkyl halide कैसा example है देखो, अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप, ठीक है? यस, तो ये क्या एग्जांपल लिया था, जल्दी बोलो, RX प्लस NU माइनस, NU माइनस कौन है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि रिप्लेस करेगा कि नहीं दूसरे, यस, न्यूक्लियोफाइल, है ना? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये एक्स चला गया तो एक्स का नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, लीविंग ग्रुप, तो छोड़ के गया लिविंग ग्रुप। और दूसरा कौन सा है, ये न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड, और ये क्या है, अल्काइल, क्लियर है? यस। अब ये एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होता है, ये एक स्टेप में होगा या दो स्टेप में होगा, इट इज पॉसिबल कि ये एक स्टेप में होगा, इट इज पॉसिबल कि ये दो स्टेप में, अगर ये एक स्टेप में होता है, if above reaction occurs in one step, occurs in one step, then it is quick mechanism, SN2 mechanism, then it is SN2 mechanism, SN2 mechanism, one step में होगा तो ये कौन सा है, SN2 mechanism, SN2, और अगर ये ऊपर का रिएक्शन दो स्टेप में होगा,
SN1 two steps. Then it is called what? SN1. Then it is called SN1 mechanism. ये clear है concept है ना? है ना? हाँ sir. ऐसा नाम क्यों दिया SN1 SN2 उल्टा नाम दिया है कि नहीं है ना? It is उल्टा नाम देखो. एक step में हो रहा है तो हम लोग ने क्या नाम दिया? एक step में हो रहा है तो हम लोग ने क्या नाम दिया? SN2. SN2. हो रहा है तो हम लोग ने क्या नाम दिया? SN1. ऐसा क्यों किया हम लोग ने? ऐसा उल्टा नाम क्यों दिया? तो उसका रीजन हम लोग समझते हैं. Let's now try to analyze the reason for SN1 mechanism name and SN2 mechanism name. तो पहले हम लोग SN1 mechanism पे focus करते हैं. SN1 mechanism का steps क्या है? तो what are the steps involved in SN1 mechanism? तो SN1 mechanism कितने step का है? Two step. तो पहले स्टेप में क्या होता है? Rx plus nu. This will give Rnu plus x minus. Yes, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे स्टेप वन. तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप वन होगा. स्टेप वन क्या है कोई बता सकता है मेरे को याद करके? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन मतलब क्या? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ओके. और एग्जांपल ले ले हम लोग कोई तो समझ में आएगा ज्यादा. ओके. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल की कार्बोकैटायन बना. ओके. तो एक मान लो हम लोग ने एक एग्जांपल के लिए अल्काइल हैलाइड लिया कुछ ऐसा. यस, कुछ इस तरह से. मान लो CH3, 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 Cl. ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा अगर इससे बनेगा तो? 3 डिग्री. यस, कैसे समझाइए? तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा. ओके. तो ऐसा अब मान लो इसमें हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल लिया OH माइनस. क्या न्यूक्लियोफाइल है? OH माइनस. ओके. तो पहला स्टेप में क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप में. तो फर्स्ट स्टेप में तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा. और ये स्लो स्टेप होगा या फास्ट स्टेप होगा? स्लो स्टेप. स्लो स्टेप. तो दिस इज स्लो स्टेप. और स्लो स्टेप है इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं इसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग. मतलब ये फास्ट होगा रिएक्शन या स्लो होगा ये इसी स्टेप पे डिपेंड है. फर्स्ट स्टेप अगर फास्ट हो गया तो ये रिएक्शन थोड़ा बहुत फास्ट होगा. और फर्स्ट स्टेप अगर स्लो हो गया तो ये रिएक्शन कैसा होगा? स्लो. अब ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे कोई रोल है क्या फर्स्ट स्टेप में? नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया. ये न्यूक्लियोफाइल OH- है, इसका कोई यहाँ पे रोल है क्या? नहीं. यस, तो इसलिए मैंने ये क्या लिख दिया? प्लस Cl-. तो Cl- किसका काम कर रहा है? लिविंग ग्रुप. अब एक बार ये लीव कर गया तो जो कार्बोकैटायन बना है ये फर्स्ट स्टेप हो गया. अब स्टेप टू. तो स्टेप टू में हमारे पास क्या होगा? ये कार्बोकैटायन पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल. यस और नो? OH माइनस. ये कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज OH माइनस. तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज और OH माइनस अटैक करेगा. अब OH माइनस अटैक करेगा पीछे से अटैक करेगा या आगे से अटैक करेगा? कहीं से भी कर सकता है. कहीं से भी कर सकता है. समझाइए, कहीं से भी कर सकता है. तो एक बार ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और एक बार उल्टा प्रोडक्ट बनेगा. एक बार इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार रिटेंशन का स्ट्रक्चर बनेगा. यस और नो? एक बार रिटेंशन का स्ट्रक्चर होगा. ये मैंने बताया था, याद है? तो मैं वही बता रहा हूं वापस. तो ये जो है ये एज इट इज यहाँ पे डायरेक्टली अटैक किया, डायरेक्टली सीधा यहाँ जाके यहाँ अटैक किया. तो ये रिटेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन. इसमें ज्योमेट्री रिटेन हुआ, स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन हुआ, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन स्ट्रक्चर. इसको क्या बोलेंगे? रिटेंशन स्ट्रक्चर. इसमें पीछे से अटैक किया, पीछे से. तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? पीछे से अटैक हुआ. ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्वर्जन स्ट्रक्चर है. यस, इसमें रिटेंशन भी हुआ, एक स्ट्रक्चर में रिटेन हुआ जब इसने डायरेक्टली यहाँ अटैक किया, और पीछे से अटैक किया तो क्या हो गया? उल्टा स्ट्रक्चर बन गया. तो इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे. और रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों मिला के हम लोग क्या नाम दिए थे?
रेसमाइजेशन इसका नाम क्या है रेसमाइजेशन इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों मिलके क्या बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बना दिया ये क्या बनाया इसने रेसमिक मिक्सचर दूसरा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रेसमाइजेशन इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेसमाइजेशन तो रेसमिक मिक्सचर बना दिया दोनों प्रोडक्ट है कौन से प्रोडक्ट है रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन क्लियर है ये टेस्ट थोड़ा ये माइक ऑफ कर दो इस बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है टेस्ट जब आंसर देना रहेगा तभी फिर से ऑन कर दो इस बीच में नहीं तो आवाज आता है बैकग्राउंड का टेस्ट ये समझा स्टेप वन स्टेप टू कैसा है टू स्टेप है दिस इज व्हाट टू स्टेप मैकेनिज्म तो SN1 मैकेनिज्म इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यस और नो आया ना कार्बोकैटायन बना के नहीं इधर Yes. This is rate determining step. First step, formation of carbocation is a rate determining step. Okay. It is a slow step. Okay. And the second step involves what? Attack of nucleophile. अब ये दोनों side से attack किया इसने. Nucleophile ने कहाँ से attack किया? दोनों side से. इसीलिए हम लोग का inversion product भी बन रहा है और retention product भी बन रहा है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रेसमाइजेशन अब हम लोग फिर से अगर इसका बात करें कि फिर से यही रिएक्शन मैंने ले लिया वंस मोर आई विल एक्सप्लेन वंस मोर क्योंकि आप पहली बार में समझता नहीं तो देखो यहाँ पे हमारा ऐसा रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने वाला है मतलब ओ एच माइनस के साथ रिएक्ट करना है मतलब बेस के साथ रिएक्ट करना है किसके साथ रिएक्ट करना है बेस जैसे NaOH बेस है तो बेस में OH माइनस प्रोवाइड करता है OH- is a nucleophile, क्योंकि negative species है, ये electron देने वाला है, तो first step में हमारे पास क्या होगा, पहले तो product क्या होगा, product is this, the product is CH3, the product लिख देता मैं यहाँ पे, the product is CH3, and यहाँ पे भी CH3, and यहाँ पे OH plus Cl-, so this is the final thing, which is going to happen, and chlorine जो है वो ये छोड़ देगा group, जहाँ पे वो जुड़ा हुआ था, chlorine electron छोड़ दिया तो ये लिविंग ग्रुप बोलेंगे क्या बोलेंगे लिविंग ग्रुप क्लियर है अब ये प्रोसेस है वो दो स्टेप में हाँ सर ये प्रोसेस कितने स्टेप में होगा टू स्टेप तो इसीलिए टू स्टेप SN1 मैकेनिज्म तो स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दो स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन अब ये स्लो स्टेप है तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS मतलब क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अब ये कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं पहले वो किस पे डिपेंड होगा कि बना हुआ कार्बोकैटायन स्टेबल है कि नहीं तो इज दिस कार्बोकैटायन गोइंग टू बी अ स्टेबल स्पीशी यस बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ 3 degree कार्बोकैटायन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ 3 degree कार्बोकैटायन तो CH3 प्लस अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों है मेरे को कोई बता सकता है क्यों स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है यस और नो ये कैसे स्टेबल है हाइपर कंजुगेशन एन इंडक्टिव इफेक्ट इसके 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है तो मेन चीज वो है कि 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है तो गुड इट्स अब स्टेप 2 में क्या होगा हमारे पास ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक करेगा पीछे से भी अटैक करेगा आगे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट पीछे से अटैक करेगा रिटेंशन प्रोडक्ट पीछे से इन्वर्जन प्रोडक्ट ये हम लोग 3D में देखेंगे बाद में स्टीरियोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे 3D में देखेंगे एग्जैक्टली कैसे रिटेंशन प्रोडक्ट कैसा बनेगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनेगा जैसे हम लोग किस चैप्टर में देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री बट फिलहाल याद रखो कि दोनों प्रोडक्ट बन रहा है तो ये कैसा बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट रेसमिक मिक्सचर इज इट अंडरस्टूड अब एक क्वेश्चन पूछूं अगर मैं इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है ये दोनों पे डिपेंड करता है या एक पे डिपेंड करता है दैट इज द क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा या अल्काइल हैलाइड
और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा या सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा? तो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट अल्काइल हैलाइड पे, ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली देखा, आंसर ए बी सी तीनों में से कुछ भी हो सकता है, okay? पर हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, और भी हो सकता है ऑप्शन, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, पर ये सिर्फ रेट जो है हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, विच इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, किस चैप्टर में पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग रेट इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली, ऐसे रिएक्शन देख के कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटली। और हम लोग ने देखा कि ये ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, तो Rx रेस टू 1। तो एक्सपेरिमेंटली हमारा आंसर क्या आया, जल्दी बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड है? अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है? तो रेट डिपेंड्स ऑन व्हाट? फर्स्ट पावर ऑफ अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन, है ना? है ना? हाँ। तो इसीलिए ये 1 है, इसीलिए इसी रिएक्शन को हम लोग ने क्या बोला, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, तो समझ में आया मैकेनिज्म, SN1 नाम देने का रीजन क्या है? करेक्ट, समझ में आया सबको? यस यस। तो देखो मैं वापस लिख देता हूं, मैं SN1 नाम क्यों दिया। सपोज एक रिएक्शन है Rx plus Nu minus, दिस इज RNU plus X minus, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? हाँ। यस, तो हम लोग ने देखा इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन Rx रेस टू 1, तो कौन सा है ये? SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, जल्दी बोलो? SN1 मैकेनिज्म। यस, और इसको फुल फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड है ना? हाँ। न्यूक्लियोफिलिक और आगे क्या? यूनिमोलिकुलर, क्योंकि सिर्फ ये अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है कि नहीं, है ना? हाँ। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्लियर है? हाँ। This is how we have substitution nucleophilic unimolecular reaction. समझाइए, अब बताओ अगर SN2 है तो रेट का इक्वेशन क्या आएगा, सोच के बताओ, SN2 mechanism है तो रेट का इक्वेशन क्या आएगा, सोच के बताओ, जल्दी बोलो, RxNu-, yes, RxNu-, yes or no? Yes, ये मित्तल ने बराबर बताया, बाकी लोग, yes, बाकी सब जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? अगर SN2 है, अगर SN2 है तो फिर रेट किस किस पे डिपेंड होगा? अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होगा, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड होगा, तो दोनों पे डिपेंड है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये क्या होगा? SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, क्या होगा ये? SN2 मैकेनिज्म, क्लियर है ये? हाँ। तो SN2 मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल मल्टी मॉलिक्यूल, नहीं नहीं, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूल, सॉरी, टू मॉलिक्यूलर, यस, तो बराबर है, तुम्हें नहीं पता रहेगा, पहली बार सुना रहेगा, यस, तो दिस इज बाय मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल है कि नहीं, है ना? एक ये मॉलिक्यूल और एक दूसरा, हाँ। इसलिए बाय मॉलिक्यूलर है, क्लियर है? तो SN1 SN2 नाम क्यों आया, समझा सबको? यस सर। SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म नाम क्यों आया, किसी को भी डाउट है इस चीज में? नहीं, तो दिस इज वाई वी हैव द नेम्स SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ। SN1 नाम क्यों दिया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, अगर अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा, डबल किया तो डबल रेट हो जाएगा, ट्रिपल किया तो ट्रिपल रेट हो जाएगा, ऐसा समझाइए, यहाँ पे दोनों का बढ़ा दिया तो यहाँ पे रेट 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पावर पे डिपेंड है, समझ रहे, 2 पावर आएगा इसका, 1+1 power 2 आएगा ना, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो 2 into 2 4 हो जाएगा कि नहीं, है ना? यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 times होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं, दोनों डबल कर दो तो भी न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, इधर न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, उसका न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे, SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा,
SN2 में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है. क्लियर? यस सर. यस, तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है SN1 और SN2 मैकेनिज्म, और ऐसा नाम दिया हम लोग. कोई भी डाउट है? नहीं. नो सर. तो हम लोग ने जो देखा उस हिसाब से हम लोग छोटा सा एक SN1 SN2 का टेबल बना सकते हैं. तो SN1 SN2 का पहले छोटा सा टेबल बनाते हैं, फिर लंबा वाला टेबल बनाएंगे. तो SN1 कितना स्टेप है और कैसा है, रेट किस पे डिपेंड है, पहले बोलो रेट किस पे डिपेंड है. फर्स्ट पॉइंट, ओनली अल्काइल हैलाइड कॉन्सेंट्रेशन. यस, अल्काइल हैलाइड. तो एक के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड है इसके SN1, और यहाँ पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है. कौन कौन? अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइड. तो ये दोनों पे डिपेंड है, इसलिए क्या है, बायोमोलिकुलर. और दूसरा, ये टू स्टेप रिएक्शन है, यस और नो? और ये कैसा है, वन स्टेप रिएक्शन. यस. अब SN1 में कैसा प्रोडक्ट बनता था हम लोग? वन स्टेप रिएक्शन. रेसमाइजेशन मतलब इन्वर्जन भी हो रहा था और क्या हो रहा था, रिटेंशन भी हो रहा था. रिटेंशन एंड देखो यहाँ पे लिखते हैं रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन और इन्वर्जन भी होता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन. और यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनता है SN2 में, ओनली वन प्रोडक्ट विच इज इन्वर्जन प्रोडक्ट. क्लियर है? इससे छोटा छोटा पॉइंट क्लियर है SN1 SN2 का, छोटा पॉइंट्स और डिटेल वाले पॉइंट भी लिखे. यस, बट अब ये थोड़ा बहुत समझ गया SN1 SN2 का छोटा छोटा पॉइंट्स जो लिखा मैंने. यस, अब SN2 मैकेनिज्म देख लेते हैं. SN1 तो हम लोग ने बहुत सारा लिख लिया, अब SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा. SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप था कि नहीं, है ना? हाँ. यस, के SN2 मैकेनिज्म में हमारा मान लो अल्काइल हैलाइड लिया जैसे CH3Cl, तो यहाँ पे OH- आएगा, तो यहाँ पे तो एक ही स्टेप में ये बन जाएगा CH3OH plus X- X- मतलब Cl- इस केस में लिविंग ग्रुप कौन है, Cl-, है ना? अब इसको दिखाएंगे कैसे, मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर दिखाए हम लोग इसको, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कैसे दिखाना है वो मैं बता रहा है. पहले सिर्फ ये थोड़ा फाइल में सेव कर लेता है, इससे फाइल बनाया था मैंने पिछले लेक्चर का, इससे रीनेम करने में भी कंप्यूटर बहुत स्लो है. इसको देखो यहाँ पे एक ही स्टेप में बनेगा. देखो अब ये जो सी एच थ्री सी एल है, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग से याद करके बताओ, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग से याद करके बताओ सी एच थ्री सी एल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, CH3Cl का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बोलो. sp3 बराबर, यस और नो? sp3 है कि नहीं? sp3. चार सिग्मा बॉन्ड है, क्या सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, चार. तो इसीलिए कार्बन का कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जल्दी बताओ, ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, कैसा ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो 3D में हम लोग ने देखा था पहले, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में 3D में मैंने तुम्हें ये सब बताया था. देखो सब कुछ रिलेटेड है, एक चैप्टर से दूसरा रिलेटेड होगा, दूसरे से तीसरा रिलेटेड होगा. हम लोग देखो काइनेटिक्स के भी कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पे यूज कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट भी उठा के यूज कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट भी यूज उठा के इधर कर रहे हैं. तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो एक टॉपिक दूसरे से लिंक होता है, दूसरा तीसरे से लिंक होता है. तो ये चीज याद रखो, केमिस्ट्री में सब कुछ लिंक होगा, फिजिक्स में भी सब कुछ लिंक होगा, मैथ्स में भी सब कुछ लिंक होगा, और तीनों सब्जेक्ट भी आपस में लिंक रहेंगे. यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सी एच थ्री सी एल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं. तो लेट अस मेक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो ये देखो टेट्राहेड्रल जैसा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, देख के. यस, अब ये देखो इसके अंदर में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा पूरा ये कर दिया, क्या कर दिया, यस, फिल कर दिया हमने. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे है सॉलिड वेज, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड वेज. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये दूसरा डॉटेड डॉटेड वेज, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, सॉलिड वेज. ऊपर बनाया ना सॉलिड, है ना? और दूसरा क्या है, डैश डॉटेड वेज, इसको डॉटेड वेज बोलो या डैश्ड वेज बोलो. डैश्ड वेज वेज मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, पीछे, कहाँ है ये, पीछे. और ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब क्या है, आगे. आउट ऑफ द प्लेन मतलब बाहर आ रहा है, ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, ये हाइड्रोजन पीछे जा रहा है,
स्क्रीन के, समझ में आ रहा है? एक हाइड्रोजन स्क्रीन में है कार्बन के साथ बॉन्ड, और कार्बन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, वो भी स्क्रीन में ही है, और एक कार्बन कहाँ है? पीछे, उसको मैंने कैसे दिखाया? डॉटेड या डैश, समझाइए। और दूसरा है वेज, सॉलिड वेज बनाया, ये क्या है? सॉलिड वेज। सॉलिड वेज मतलब कहाँ है? ये बाहर आ रहा है, आउटसाइड। हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी। हाँ। ये सॉलिड वेज मतलब कहाँ? बाहर आ रहा है, और डैश्ड वेज मतलब कहाँ? अंदर जा रहा है, समझाइए। इसको बहुत बार हम लोग ऐसा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, जो ज्यादा फेमस नाम है वो ऐसा है, वेज, इसको क्या बोलते हैं? वेज। और इसको बोलते हैं डैश। ये क्या है? इनटू द प्लेन, पीछे। इसको मैंने क्या लिख दिया हिंदी में? पीछे। और इसको क्या बोलेंगे सॉलिड वेज को? आउट ऑफ, आउट ऑफ, बाहर आना, मतलब बाहर आना। समझ में आया ये? हाँ ना, यस। अब OH- ने ऐसे रिएक्शन किया, तो हम लोग का यह ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल बना, देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ये पहले हम लोग ने देखा था SN1 SN2, वो थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया, अब हम लोग और डिटेल में जाके जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा? ऐसा, एक हमारे पास हाइड्रोजन होगा डैश वाला, और दूसरा हाइड्रोजन कैसा होगा? सॉलिड वाला, है ना? दो थे कि नहीं? सॉलिड वाला कहाँ है जल्दी बोलो? बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है? बाहर, बाहर जा रहा है। ये वाला अंदर, और यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन है ना, और यहाँ पे ये आएगा कौन? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। क्लियर है? तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है कि नहीं? और न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है बताओ मेरे को? पीछे से आ रहा है कि नहीं? है ना, न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है बताओ जल्दी? पीछे से। पीछे से। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तब हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और ये हाइड्रोजन ऊपर, यहां तो कोई डाउट है? और एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, तो क्लोरीन कहां आएगा? पीछे। तो क्लोरीन को मैंने पीछे बना दिया। क्लियर है? क्लियर। OH पीछे आ गया, है ना? और क्लोरीन आगे से निकल गया, क्लोरीन को मैंने आगे से Cl- फॉर्म में निकाल दिया। क्लियर है ये? यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट है? इन्वर्जन प्रोडक्ट ओनली, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्लियर है? ये सिंगल स्टेप में हो गया कि नहीं? ये पूरा दो स्टेप भले ही यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, एक स्टेप ये बनना फिर ये बनना, पर ये पूरा एक ही स्टेप में होगा। दिस इज व्हाट सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसीलिए इसको क्या बोला? SN2 मैकेनिज्म। समझ में आया सबको? हाँ। SN2 ऐसा हम लोग का ये मैकेनिज्म। और देखो यहाँ पे SN1 में ये कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं? कार्बोकैटायन बना कि नहीं? तो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकैटायन का हम लोग ने देखा था रीअरेंजमेंट होता है, हाँ ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ ना? हाँ। तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्लियर? तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे देखा SN1 SN2 मैकेनिज्म। यस, तो अब हम लोग आगे बढ़े। ओके, अब देखो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा है उतना रिएक्शन जल्दी होगा। तो देखो इन SN1 मैकेनिज्म, SN2 में तो वो बात ही नहीं है। इन SN1 मैकेनिज्म लिविंग ग्रुप जितना अच्छा है, मतलब बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर द रिएक्शन, है ना? लिविंग ग्रुप छोड़ देगा, यस, तो हम लोग का रिएक्शन कैसा हो जाएगा? जल्दी। ये समझ में आया? तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो अच्छा होगा, फेवर्ड होगा, SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा।
यस, तो जिस एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ऐसा लिख देते, मोर स्टेबल द एनायन, बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप। जितना स्टेबल एनायन होगा उतना लिविंग ग्रुप कैसा होगा, बेटर। एग्जाम्पल के लिए देखो, सोचो अगर मैं तुम्हें पूछूं OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है या NH2 माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है या NH माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी बोलो, NH2 माइनस अच्छा है या OH माइनस अच्छा है? यस, तो आंसर इज OH माइनस अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, बोलो जल्दी। हाँ, तो ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं, नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे सी एच थ्री माइनस भी बोलता तो ये और भी अनस्टेबल होता, समझ में आ रहा है? पर वो हालांकि लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता, इसलिए मैंने वो बोला। जैसे अब एग्जाम्पल टू लिया, मान लो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमिन अच्छा है, क्लोरिन अच्छा है या फ्लोरिन अच्छा है, तो आंसर इज व्हाट, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन लिविंग ग्रुप कैसा है, बेटर। क्यों? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को संभालना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा फैक्टर आता है, आयोडीन बड़ा साइज है कि नहीं, है ना, बिग साइज, बिग साइज है आयोडीन का, आयोडीन हैज बिग साइज, तो देयरफॉर आई माइनस है ये मोर स्टेबल है। आई माइनस है वो कैसा है, मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है बड़े साइज में, बड़े वॉल्यूम में, तो इसलिए आई माइनस कैसा है, मोर स्टेबल, तो आई माइनस बेटर लिविंग ग्रुप। ये कैसा है, बेटर लिविंग ग्रुप, समझ में आया? दीज टू आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। OH माइनस अच्छा है किससे, NH2 माइनस से, और आई माइनस अच्छा है किससे, Br माइनस Cl माइनस F माइनस से। क्लियर है, समझ में आए? यस सर। इससे ऐसा है, तो ये सब इफेक्ट अगर हम लोग को एक साथ देखना है तो एक साथ हम लोग कोशिश करते हैं देखने का, एक टेबल बना देते हैं हम लोग, लेट अस मेक अ टेबल बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स, बेस कैसा है, फिर लिविंग ग्रुप कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, तो ये सब समरी करके हम लोग एक टेबल बना देते हैं, तो लेट अस मेक अ टेबल। यस, तो SN1 SN2 लिखो ऐसा नया पेज पे, यस, और उसका पूरा टेबल बनाते हैं हम लोग। तो पहले लेफ्ट साइड में लिख दो SN1, राइट साइड में लिख दो SN2, SN1 SN2 mechanism, okay. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ, रेट किस पे डिपेंड है, अल्काइल हैलाइड कौन से, इधर रेट किस पे डिपेंड है, जल्दी बोलो, अल्काइल हैलाइड है जो किया, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड, okay. तो इसीलिए यहाँ पे 1 है इसलिए SN1, यहाँ पे 1 और 1 2 है इसीलिए SN2, okay. इसका फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, इसका न्यूक्लियोफाइल, इसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। फिर सेकंड पॉइंट, ये कितना स्टेप्स है, 2 स्टेप, ये कितना है, 1 स्टेप, मतलब सिंगल स्टेप, ओके। फिर यहां पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन और इन्वर्जन, है ना, जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, है ना, और यहां पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट, अब देखो और भी पॉइंट्स यहां पे हम लोग को अलग अलग है, okay. तो जैसे देखो, दिस इज फेवर्ड बाय वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा ये फेवर है, और ये कैसा होगा, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ऐसा क्यों बोलेंगे हम लोग, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो देखो यहाँ पे कैसा है हमारे पास, हम लोग ने ऐसा एग्जांपल लिया था, CCH3 CH3 CH3, है ना, याद है ये, देखो ऐसा टर्शरी वाला
थ्री डिग्री वाला कार्बोकैटायन बन रहा था यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है, हाँ है ना, है ना, जल्दी बोलो। यस हाँ सर। प्लस OH माइनस ऐसा। अब OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल रहना चाहिए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। अब देखो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, मान लो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत के तुरंत ये अटैक कर देगा, स्ट्रॉन्ग है तो क्या तुरंत के तुरंत अटैक कर देगा और इसको हटा देगा। ये दो स्टेप में होगा रिएक्शन या एक ही स्टेप में हो जाएगा? एक ही स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने से फायदा क्या होगा, ये स्टेप, ये दो रिएक्शन, ये रिएक्शन है वो दो स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो है, तो ये क्या तुरंत अटैक करेगा, तो एक ही स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर है। वीक न्यूक्लियोफाइल होने से फायदा क्या है, ये दो स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन विल बी पॉसिबल बिकॉज इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, इट विल बी SN1 SN2 मैकेनिज्म, क्लियर है। यस सर। यस के और बाकी पॉइंट क्या है इधर, जस्ट यहां पे फिफ्थ पॉइंट लिख देते हैं। तो दिस इज हैविंग रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो 2 डिग्री से ज्यादा, 1 डिग्री से ज्यादा मिथाइल है ना, इसमें कोई डाउट किसी को? यस। और यहाँ पे 1 डिग्री में ज्यादा SN1 होगा, SN2 किस में ज्यादा होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, है ना, समझ में आ रहा है? यस, मिथाइल पहले लिखना चाहिए। यस, 1 डिग्री के बाद पहले मिथाइल लिख देते, मिथाइल वाला अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री वाला अल्काइल, यस और नो? यस। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, SN1, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, SN2, क्लियर है ये, है ना, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जी, जो कि स्टेबल होगा, समझाइए। यस, दूसरा क्या, दिस SN1 इज फेवर्ड बाय व्हाट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या, हाइड्रोजन, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलार भी हो और क्या, हाइड्रोजन भी हो। अब ऐसा क्यों, तो देखो वापस मैं अगर बनाऊं ऐसा, अल्काइल हैलाइड बना दिया, तो CX और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, हाँ है ना, प्रोटिक मतलब H+, प्रोटॉन मतलब H+, मैंने बोला था पहले भी, हाँ है ना, प्रोटिक मतलब H+, हाँ है ना, जल्दी बोलो। अब ये H+ है, तो H+ पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं, H+ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं यहाँ पे, है ना, तो ये लिविंग ग्रुप निकलने में मदद कर रहा है कि नहीं, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लिविंग ग्रुप को निकालने में मदद कर रहा है कि नहीं, और लिविंग ग्रुप अगर निकला तो कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं, तो स्टेप 1 को फेवर कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर देखो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो प्रोटिक है मतलब प्रोटॉन है, प्रोटिक है मतलब क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन H+ पॉजिटिव चार्ज। अब ये X- निकलेगा यहाँ से, तो X- निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनने का चांस रहेगा कि नहीं, तो इसलिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा, समझ में आया क्यों, आया ना, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो क्या SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा। और यहाँ पे तो हम लोग ऐसा कुछ चाहते नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या होगा, फेवर्ड बाय व्हाट, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है ये पॉइंट सबको समझा? यस। और यहाँ पे कैसा है, ये अपने आप हो जाएगा, ये कैसे होगा, अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पे नो कैटलिस्ट नीडेड, यहाँ पे कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हम लोग को कैटलिस्ट लगेगा, कौन सा कैटलिस्ट लगेगा, जैसे एनहाइड्रस मतलब पानी वाला नहीं, ड्राई AlCl3 ZnCl2 FeCl2 कैटलिस्ट लगेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास SN1 मैकेनिज्म में साथ साथ E1 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म में साथ साथ कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन में E2 मैकेनिज्म होगा। तो SN1 में साइमल्टेनियसली क्या होगा, कॉम्पिटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, E1, और यहाँ पे कॉम्पिटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, E2, कॉम्पिटिंग रिएक्शन कौन सा होगा, E2, E1 मतलब क्या, एलिमिनेशन 1, मैंने बताया कि नहीं,
एलिमिनेशन वन ई वन, ई वन टू में एक क्लासिफिकेशन है ई वन, ये भी दो स्टेप होगा ओके. तो ये क्या है, ये कॉम्पीटिंग रिएक्शन है. हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन और एस एन वन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉम्पीटिंग रिएक्शन होंगे, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे. एक प्रोडक्ट एलिमिनेशन का बनेगा अल्किन जैसा, और दूसरा प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे. ओके, देखो कौन सा किस टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर पे कौन सा होगा, एलिमिनेशन ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ज्यादा होगा, और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एस एन वन ज्यादा होगा. एस एन वन कब फेवर होगा, जल्दी बोलो, लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या फेवर होता है, जल्दी बोलो, एलिमिनेशन. क्लियर है, थोड़ा बहुत पॉइंट तक पाओगे ये. हाँ जल्दी बोलो, क्या क्या कुछ डाउट पूछा नहीं. यस, तो देखो यहाँ पे इन्वर्जन स्ट्रक्चर बना, इसलिए क्या है, इन्वर्जन. और यहाँ पे दोनों साइड से क्या हो रहा है हमारे पास, SN1 में रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, तो रेसमाइजेशन हो रहा है, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन रहा है. अब ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इसको हम लोग रेसमाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का. कौन सा, स्टीरियो केमिस्ट्री करके एक टॉपिक आएगा हम लोग को, चैप्टर आएगा. तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पूरा ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्वर्जन क्या होता है, फिर रिटेंशन क्या होता है, फिर रेसमाइजेशन क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, स्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स, ये सब हम लोग देखेंगे. तो ये समझ गया सबको, कोई डाउट है इसमें? नो सर. नो, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उतना क्या, जैसे और यहाँ पे और एक पॉइंट चाहिए तो लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट होगा. कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल. यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है ना, तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. और यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट. क्या लिखेंगे, कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है तो ये क्या है, जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी, नो रीअरेंजमेंट. ये समझा सबको, अभी तो थोड़ा इजी लग रहा है पहले से, ये एसएन वन एसएन टू है ना, अरे बोलो. यस, तो मैंने एसएन वन एसएन टू डिटेल में बताया, इधर तो कोई डाउट है किसी को? नो सर. रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, जिसमें हम लोग ने एसएन वन पढ़ा, एसएन टू पढ़ा. अब इसके बाद हम लोग को और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, एसवी वन करना है, एसवी टू करना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, ये सब करना है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या लेंगे? यस, देखो और एक बात बता देता मैं. तो देखो अभी अगर मान लो हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा कंपेयर कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं. तो लेट अस कंपेयर. तो देखो अगर मान लो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैंने ऑलरेडी बताया SN2 होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, SN1. तो मैं लिख दूं यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा, जल्दी बोलो, SN1. वीक न्यूक्लियोफाइल SN1. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, SN2. ये समझा? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, okay. और अगर मान लो ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये ऐसा वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाला, और इसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा, यस और नो? एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा, मैंने तुम्हें बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन. और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब कितना, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस ऐसा. और लो टेम्परेचर मतलब कितना, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा. तो इस पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन. ओके, आया ना? और वीक न्यूक्लियोफाइल में और एक जो इफेक्ट, अगर एलिमिनेशन हो रहा है, अगर मान लो वीक न्यूक्लियोफाइल है और कैसा है, हाई टेम्परेचर तब तो एलिमिनेशन हो सकता है. हाँ है ना? हाँ है ना? तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, जल्दी बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में, E1. कौन सा होगा, जल्दी बोलो, E1. हाई टेम्परेचर, एट व्हाट, हाई टेम्परेचर.
ये कब होगा? एट लो टेम्परेचर. ये कब होगा? एट लो टेम्परेचर. और ये इधर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा? E2 एट व्हाट? हाई टेम्परेचर. क्लियर है ये? जल्दी बोलो सर. नो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स तो लो टेम्परेचर पे होगा ना, E2 एट हाई टेम्परेचर पे. E2 होगा एलिमिनेशन. हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन होता है, इवन E2 कुछ भी हो लेकिन हाई टेम्परेचर. ओके हाँ हाँ. और दूसरा और एक बात अगर बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलो या स्ट्रॉन्ग बेस बोलो, क्या बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस. तो भी क्या है? E2. स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे तो भी क्या होगा? E2 एलिमिनेशन. समझ में आया ये? हाँ है ना. हाँ. और इधर क्या होगा? वीक बेस. वीक बेस में भी क्या होगा? एलिमिनेशन वन. वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, E1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन. चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. ये स्ट्रॉन्ग दोनों लिख सकते हो ऐसे. देखो, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल. वीक वाले क्या करेंगे? टू स्टेप रिएक्शन. स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेंगे? इवन एलिमिनेशन टू रिएक्शन या तो एसएन टू रिएक्शन. समझाइए? हाँ. यस, तो ऐसा है हमारे पास. और अगर मान लो बल्की बेस है, बल्की बेस, तो भी क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन. समझाइए? बल्की बेस में क्या होगा? E2. क्लियर है? बल्की बेस में भी क्या होता है? बहुत बार एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. बल्की बेस से भी क्या होता है? E2 रिएक्शन. इस तो ऐसा ये सब कंडीशन है जो कि हम लोग को याद रखना है. बल्की बेस अगर प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन. तो ये सब फैक्टर्स है जो हम लोग को कंसीडर करना है जब एलिमिनेशन होगा या क्या होगा वो देखने के लिए. तो थोड़ा बहुत समझ में आया ये? हाँ सर. यस. तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन. लो टेम्परेचर पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन. और वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? SN1 E1 होता है. स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है? SN2 E2 होता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. और बल्कि बेस में क्या होगा? बल्कि बेस में क्या होगा? E2 रिएक्शन. ये सब बल्कि बेस मतलब हम लोग देखेंगे आगे जाके. बल्कि बेस कौन सा होता है? पोटेशियम. इस बल्कि बेस का एग्जाम्पल क्या है? पोटेशियम टेट्राब्यूटॉक्साइड, ऐसा बेस होता है. यस. तो ये जो है ये कैसा है? बल्कि बेस. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा. दिस इज अ बल्कि बेस. ये सब जाए तो बल्कि बेस रहेगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन. थोड़ा बहुत समझ में आया ये? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद रखेंगे. बल्कि बेस होगा तो स्टीयरिक हिंड्रेंस करके एक फेनोमेना आता है. क्या आता है? बल्कि बेस में क्या आता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस करके एक फेनोमेना आएगा. आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग. तो स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा? एलिमिनेशन टू रिएक्शन, E2 रिएक्शन. यस, थोड़ा बहुत समझ में आया ये? हाँ. यस. तो ऐसा हम लोग का कुछ कुछ फैक्टर्स है जो हम लोग को याद रखना. यस. सो लेट अस कंटिन्यू. तो पहला हम लोग ने खत्म किया SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म. क्लियर है? हाँ. यस. तो हम लोग नेक्स्ट अब चाहते हैं. नेक्स्ट तो सेकेंड टाइप का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चालू है हम लोग का. इसमें पहले हम लोग ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा. अब हम लोग सेकेंड टाइप क्या देख रहे हैं? सेकेंड टाइप क्या देख रहे हैं? जल्दी बोलो. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है? पहला हम लोग ने क्या लिया? फर्स्ट SN1 SN2 लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया. अब हम लोग कौन सा ले रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया. क्लियर है? यस सर. यस. अब इसमें क्या है हमारे पास? दो टाइप है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक वन और सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक टू. अब ये जो है ये बहुत रेयर है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है.
और दूसरा जो हमारे ये कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये हमारे सिलेबस में है, इन सिलेबस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, SE1 SE2 में से कौन सा पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। SE2 SE2 मतलब वन स्टेप होगा ये, ये कैसा होगा, वन स्टेप, यस और नो? यस। ओके, अब वन स्टेप होगा तो कैसे होगा ये हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। okay? तो वन स्टेप है तो क्यों वन स्टेप है ऐसा, okay? तो वो देखने का कोशिश कर रहे हैं। okay? तो हम लोग अब चालू करते हैं इसका एग्जाम्पल। okay? तो इसमें भी दो स्टेप होते हैं वैसे, इसमें भी क्या होता है, दो स्टेप होता है। भले ही SE2 हम लोग का कॉमन है, ये हम लोग का सिलेबस में है, ये भले ही मैं लिख रहा है यहाँ पे टू स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, तीन तीन लिखे हैं, तो समझाइए। okay? लेकिन क्या है, ये हम लोग मेन जो स्टेप है वो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है वो एक ही है। लेट अस सी द एग्जांपल। तो स्टेप वन मैंने लिया, देखो सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है, अगर तुम्हें याद रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर तुम्हें याद है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग ने कहा, बेंजीन रिंग में किया था, यस और नो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया था, याद है? हाँ ना, जल्दी बोलो। यस यस। अब बेंजीन रिंग मैंने लिया, बेंजीन। तो ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक तो ये एडिशन रिएक्शन करे, एक तो ये क्या कर सकता है, एडिशन रिएक्शन कर सकता है, हाँ ना? तो एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, तो डबल बॉन्ड है कि नहीं इसके पास, हाँ ना? हाँ। तो मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लेके आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर सीएल लिया, सीएल प्लस, तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं, हाँ ना? हाँ। यस। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे 6 pi इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 6 pi, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, आया ना? यस। एंटी एरोमेटिक हो गया कि नहीं, और ये एरोमेटिक था कि नहीं, यस। तो एरोमेटिक इज व्हाट, हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल से ये एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल बनना चाहेगा क्या, No. तो ऐसा एडिशन रिएक्शन देगा क्या बेंजीन, नहीं, नहीं। समझ में आ रहा है? तो सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, ये एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बेंजीन को फिर क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, अगर तुम्हें याद है तो। यस, अगर इलेक्ट्रोफाइल आया जैसे सीएल प्लस, तो बेंजीन के ऊपर ये हाइड्रोजन हटा देगा और खुद आ जाएगा, यस और नो? है ना? और के प्रेजेंस में तो ये बहुत अच्छे से आ रहा था, दूसरे ग्रुप के हाइड्रोजन हटा के ऐसा बना दिया। और देखो बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया हम लोग ने, अगर मान लो NH2 ग्रुप यहाँ पे है बेंजीन में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस कौन से पोजीशन पे आ रहा था, जल्दी बताओ, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा था कि नहीं, यस और नो? हाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले कौन है, Cl प्लस, इसने किस दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन, H प्लस को सब्स्टिट्यूट किया कि नहीं इसने, है ना? तो क्या ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आज ही मैंने बताया था, क्या ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? हाँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्लियर है सबको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, यस और नो? यस। सो लेट अस लर्न द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो पूरा समझ गया स्टेप्स। तो स्टेप वन क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप वन क्या है, या फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन के बदले यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन भी बोल सकते चाहिए तो, बट ज्यादातर सब लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन। फिर स्टेप टू क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म कार्बोकैटायन। फिर स्टेप थ्री, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर स्टेप थ्री, कार्बोकैटायन लूजेस प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना लिया। ऐसा स्टेप्स है, ऐसा स्टेप हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप, तो अलग अलग एग्जांपल लेंगे और एक एक स्टेप लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट एग्जांपल वन लेते हैं। तो मान लो मैंने अगर बेंजीन रिंग लिया, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, एनहाइड्रस। तो ये हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट देता है, कैसा प्रोडक्ट देता है, लाइक दिस। ऐसा समझे, तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट आएगा, कुछ इस तरह से। ये प्रोडक्ट है मेजर, जो ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट है हम लोग को, ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब देखो ये कैसे रिएक्शन हुआ रहेगा, ये हम लोग सोचते हैं। तो पहले स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, जल्दी बोलो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बनना, तो देखो AlCl3 है ना, मैंने क्या बताया था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है कि नहीं, यस और नो। तो ये ऐसे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AlCl4- + Cl+। तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं, है ना, बोलो जल्दी, यस। अब स्टेप टू में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है, बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो बना है Cl+, वो क्या करेगा, ये यहाँ पे ऐसे स्पीशी बना देगा इस तरह, ये Cl भी है और यहाँ हाइड्रोजन भी है, सॉरी, और ये Cl+ है, Cl क्या है, प्लस है। अब अगले स्टेप में हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाँ है ना, ये सॉरी नो, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये Cl और हाइड्रोजन दोनों इधर आ गया कि नहीं, इधर, ये देखो Cl और हाइड्रोजन, हाँ है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यस और नो, है ना, और यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब Cl ने क्या किया, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया एक तरह से, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, देखो वापिस बता रहे स्टेप, Cl प्लस है कि नहीं है, Cl कौन सा है, प्लस है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है कि नहीं, हाँ, जैसे ही ये यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ अटैक करेगा, जहां पे भी, तो हाइड्रोजन ने तो ऑलरेडी इधर बॉन्ड बना के रखा है, अब जैसे ही ये Cl इधर आया, ये बॉन्ड खींच लेगा कि नहीं, इधर ऊपर खींच लेगा, बॉन्ड ऊपर खींच लेगा, हाँ, तो ये बॉन्ड ऊपर खींच लेगा, अब ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक खींच लिया इसने, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, करेक्ट है कि नहीं, हाँ, अब ये हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, समझे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाए, अब ये हाइड्रोजन स्टेप थ्री में क्या करेगा, स्टेप थ्री क्या लिखा है देखो पीछे, स्टेप थ्री में कार्बोकैटायन लूजेस प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोडक्ट, समझे, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जहां भी बनाया हम लोग का, तो यहाँ बनाया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, ये कार्बोकैटायन जो बना है वो हाइड्रोजन छोड़ देगा स्टेप थ्री में, और हाइड्रोजन छोड़ के ये क्या बना देगा, यहाँ से हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इधर, तो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब कार्बोकैटायन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, क्लियर है, आया ना, तो स्टेप टू एंड स्टेप थ्री मैंने एक साथ दिखा दिया है, तो स्टेप टू एंड थ्री एक साथ यहाँ पे दिखा दिया, क्लियर, क्योंकि ये एक ही स्टेप में होता है, मैंने पहले ही बताया, यस और नो, पीछे हम लोग ने देखा था, यस,
पीछे हम लोग ने देखा था ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है हमारे पास, दो है, कौन सा Se1 और Se2, दो है कि नहीं, है ना। तो हम लोग का Se1 कैसा है, रेयर, ये हम लोग सिलेबस में नहीं है, और Se2 कैसा है, कॉमन। तो ये सिंगल स्टेप में होगा कि नहीं, तो दो स्टेप दिखाने का जरूरत है क्या, नहीं। क्लियर है ये, आया ना। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, वन एग्जांपल। क्लियर है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है, मान लो बेंजीन रिंग। अब इसको हम लोग ने किससे रिएक्ट कराया, HNO3 और H2SO4। तो हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, वी विल हैव अ प्रोडक्ट लाइक दिस SO3H, ऐसा बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो स्टेप वन में फिर से क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कौन बनेगा, SO3, HNO3, SO3H नहीं बनेगा, इस गलत लिख दिया, HNO3 plus H2SO4 में NO2 बनेगा, नाइट्रो बेंजीन NO2 बनेगा। तो HNO3 सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रहता है तो SO3H बनता है। तो HNO3 plus H2SO4 ये ऐसा बना देंगे प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस H2O रहेगा प्लस HSO4 माइनस रहेगा ऐसा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल फिर से कहाँ अटैक करेगा, तो दिस NO2 plus इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग एंड इट फॉर्म्स व्हाट, नाइट्रो बेंजीन। ये क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया कि नहीं, है ना, हाइड्रोजन को। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एग्जांपल 3 लेते हैं, जो पहले बताया। यस, एग्जांपल 3 में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिस विल फॉर्म द SO3, समझाइए। SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, फिर से इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा, यस, इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। और यहां पे क्या आ जाएगा, SO3H। अब ये कैसे होगा, तो देखो पहले बेंजीन लिंग, इसमें SO3 अटैक करेगा और बना देगा ऐसे, बेंजीन में SO3 माइनस। अब SO3 माइनस है, इसको फर्दर हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O में से क्या आ जाएगा, H प्लस। H2O में से क्या आ जाएगा, H प्लस, H प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे SO3H हो जाएगा, समझाइए। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो और भी बहुत सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले सकते हैं, एक दो और ले लेते हैं। तो जैसे मान लो क्या, अल्काइल हैलाइड, क्या, अल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3, ये क्या दे देता है, टोलुइन जैसा दे देगा, टोलुइन जैसा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। अगर ये अल्काइल ग्रुप CH3 है तो इसको क्या बोलेंगे, टोलुइन। अब ये कैसे होगा, फिर से स्टेप वन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बना यहाँ पे, तो क्या है, RCl plus AlCl3, AlCl3 फिर से मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो AlCl4 minus बना देगा, और R plus इलेक्ट्रोफाइल as it is आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये अटैक करेगा अगले स्टेप में R plus, तो क्या बना देगा, ये टोलुइन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। यस, तो दिस इज आल्सो अनदर एग्जांपल। यस, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसे थोड़ा सा हम लोग ने पहले लिखा नहीं है, यस, इसके पिछला वाला लिखा था हम लोग ने,
फिडल का फ्लैसलेशन में क्या होता है हमारे पास, फिर से बेंजीन रिंग लिया, और ये क्या RCOCl, असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं असाइल ग्रुप, इस ग्रुप को हम लोग असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये AlCl3 के प्रेजेंस में, कौन सा एनहाइड्रस AlCl3, ड्राई AlCl, इसके प्रेजेंस में ये ऐसा ग्रुप बना देगा, बेंजीन और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, RCO ग्रुप, समझाइए, यस, तो ऐसा बन जाएगा। ये कैसे बनेगा फिर से, तो देखो RCOCl प्लस AlCl3, फिर से मैंने बोला AlCl3 क्या बना देगा, AlCl4 माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल फिर से सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ पे, बेंजीन रिंग, तो RC डबल बॉन्ड O प्लस, सो दिस विल गिव व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है, यस। तो ऐसा फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, तो दीज आर वेरियस रिएक्शंस विच आर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यस, कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्या हम लोग ने पहला वाला जो था वो किया, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला वाला किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका दोनों टाइप देखा SN1 SN2, फिर हम लोग ने नेक्स्ट देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास कौन कौन है, SE1 SE2, और SE1 कैसा है, रेयर अनकॉमन, और SE2 कैसा है, कॉमन, तो SE2 कॉमन वाला जो है वो हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे SE2, फिर इसके बाद हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चालू करते हैं हम लोग, लेट अस नाउ स्टार्ट विथ वॉट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो तीसरा तरह का सब्स्टिट्यूशन खत्म कर देते हैं फिर, तो तीसरा तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तीनों टाइप समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज वॉट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यस। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है, यस। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लिया, तो मीथेन और क्लोरीन, ये क्या दे देगा CH3Cl, और दूसरा क्या दे देगा HCl, अब फर्दर इसको और क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो CH2Cl2 बन जाएगा, फर्दर और क्लोरीन से रिएक्शन बनाएंगे तो CHCl3 हो जाएगा, फर्दर और क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो CCl4 हो जाएगा, ऐसे बनते जाएगा, पर अगर मैंने क्लोरीन कम लिया, क्लोरीन कम है तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसका मैकेनिज्म में स्टेप वन फर्स्ट, तो इनिशिएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इनिशिएशन, तो क्लोरीन जो है ClCl ये ब्रेक हो जाएगा इसमें फ्री रेडिकल्स में, इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, तो Cl डॉट और Cl डॉट, और ये कब होगा, जब लाइट है, लाइट को हम लोग HNU से दिखाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइट मतलब HNU, या तो फिर क्या है हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं केमिस्ट्री, या तो फिर क्या है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी ऐसा हो सकता है, तो ये स्टेप वन, फिर स्टेप टू क्या है हमारे पास, प्रोपोगेशन, क्या है स्टेप टू, प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन में क्या होगा हमारे पास, तो जो फ्री रेडिकल बना है ये अब काम करना चालू करेगा, तो मीथेन CH4 इसको मैं ऐसे लिख सकता है कि नहीं, CH3H, CH4 ये, अब ये फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन का, ये इस पे अटैक करेगा, किस पे, ये H+ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और CH3 डॉट बन जाएगा, CH3 डॉट, और H और Cl मिक्स होके HCl बना देंगे, अब ये जो CH3 डॉट बना है ये क्या करेगा, तो CH3 डॉट ये क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन इज CLCl, तो क्लोरीन पे अटैक करेगा, तो फिर से यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिटिक फिजन, यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिटिक फिजन, तो इधर क्या हो जाएगा CH3 डॉट डॉट, ये दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl डॉट निकले, अब फाइनली स्टेप थ्री, तो स्टेप थ्री मतलब टर्मिनेशन, ये जो रिएक्शन है वो खत्म कैसे होगा,
इस तो स्टेप थ्री टर्मिनेशन, तो सीएल डॉट जो बना है वो या तो फिर सी एच थ्री से कंबाइन करेगा और सी एच थ्री सी एल बना देगा जैसा कि पहले बनाया था, या तो फिर ये सी एल डॉट बना है ये सी एल डॉट और एक के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा सी एल टू, या तो फिर फाइनली जो ये सी एच थ्री बना है सी एच थ्री ये दूसरे सी एच थ्री के साथ कंबाइन करेगा फ्री रेडिकल के साथ और क्या बना देगा सी टू एच सिक्स, सी टू एच सिक्स मतलब सी एच थ्री लिख सकते हो, तो दैट विल बी मोर सिंपलर। तो ये हमारा रिएक्शन खत्म हुआ। तो ऐसा हमारा जो है ये क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो सी एल डॉट फ्री रेडिकल है ये सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं एच डॉट की जगह, सी एल डॉट हैज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वॉट एच डॉट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट ऑल क्लियर? हाँ ना, इसमें एक चीज जो याद रखना है वो क्या है फ्लोरीन का रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी जो है फ्लोरीन का कैसा है ज्यादा एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्लोरीन ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन, और सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी किसका ज्यादा है उल्टा, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों का ऑर्डर के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। Yes, तो ये ऐसा हम लोग का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये समझा सबको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? आई नो। यस सर। यस, तो वापस एक बार बताओ ये सब स्टेप क्या है फ्री रेडिकल में। यस, तो देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टेप्स है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग ने क्या किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें कौन सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होगा और किसके बदले होगा, तो सीएल डॉट सब्स्टिट्यूट होगा किसके बदले होगा एच डॉट के, कैसे सी एच फोर प्लस क्लोरीन, क्लोरीन ले लो ब्रोमीन ले लो चलेगा, तो सी एच थ्री सी एल ऐसा बना दिया प्लस एच सी एल, तो सी एल डॉट क्या हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया किसके बदले एच डॉट के बदले, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम क्या दिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट हैज थ्री स्टेप्स, स्टेप वन इनिशिएशन, इनिशिएट कैसे होगा क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन से, तो क्लोरीन क्या बना देगा सीएल डॉट प्लस सीएल डॉट, कैसे बनाएगा ये कोवलेंट बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन से, तो होमोलिटिक फिजन मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो दिस इज इनिशिएशन स्टेप। स्टेप टू प्रोपोगेशन, मतलब ये जो रेडिकल बना है क्लोरीन का ये चेन रिएक्शन प्रोपोगेट करेगा, कैसे मीथेन को हम लोग ने ऐसे लिखा सी एच थ्री एच, अब ये सी एल डॉट जो बना है ये इसको अटैक करेगा किसको एच डॉट निकालेगा यहां से, तो सी एच थ्री डॉट अलग से बन जाएगा और एच डॉट और सी एल डॉट एच सी एल बना देगा। अब सी एच थ्री डॉट जो बना है ये स्टेप थ्री में क्या करेगा, यस पहली बात तो ये स्टेप टू में ही क्या करेगा, सी एच थ्री जो डॉट बना है सी एच थ्री डॉट स्टेप टू में ही क्या करेगा क्लोरीन पे अटैक करेगा और दे देगा सी एच थ्री सी एल प्लस सी एल डॉट, और फाइनली स्टेप थ्री विच इज टर्मिनेशन, ये तो प्रोडक्ट बन चुका हमारा सी एच थ्री सी एल यहाँ पे। अब फाइनली स्टेप थ्री में क्या है टर्मिनेशन, ये जो रेडिकल्स बने हैं ये क्या करेंगे आपस में कंबाइन कर देंगे, तो सी एच थ्री डॉट प्लस सी एच थ्री डॉट क्या बना देगा सी एच थ्री सी एल डॉट प्लस सी एल डॉट क्या बना देगा सी एल टू, और लास्ट में और क्या है सी एच थ्री डॉट और सी एल डॉट, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा सी एच थ्री सी एल बना सकता है। यस, सो दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, क्लियर? यस सर। यस, तो ऐसा हमारा ये पूरा यस कॉन्सेप्ट है, इसमें ये हम लोग ने सिर्फ एक ही देखा है, कौन सा देखा हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी भी हम लोग को और क्या क्या बाकी है, एलिमिनेशन रिएक्शन बाकी है, एडिशन रिएक्शन बाकी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बाकी है, क्लियर? यस सर। यस, तो ऐसा हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म का किया, अगली बार हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन फिर एडिशन रिएक्शन फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके।